सबसे पहले आज सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे। मैं आप ही का हम उम्र व्यक्ति हूँ और आप ही से दो चार बातें मैं बताना चाहूँगा। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है बुरी लगे। सबसे पहले मैं एक नारा देना चाहूँगा, उसके साथ में आप बोलिए जय जवान जय जवान जय जवान। किसान क्या है? अपने इंस्टीट्यूट का नाम जिसमें हम हैं और रहेंगे। इसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था के प्रबंधक महोदय राजेंद्र जी बाजा और राजेश जी का और उनके सहयोगी सोहन जी धर्मपाल जी का, जिन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया, जहाँ चारों तरफ ये काम बिजनेस बन चुका है। उसके बीच एक किसान के नाम से अपने किसान भाइयों के लिए और किसान भाइयों के बच्चों के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट लेकर आए और अपने को एक प्रेरणा के रूप में उभर कर आए। मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनके प्रबंधक को, मेरे पिछले 4-5 साल से इनके साथ संबंध, जब भी इनको देखता हूँ बातचीत करता हूँ तो एक ही शब्द इनके मुँह से निकलता है, मुझे कुछ अपने देश और अपने बच्चों के लिए करना है। इनकी सिस्टर वगैरह सब कृषि महाविद्यालय में चयनित होकर उसके बाद में एक साइंटिस्ट के पद पे मनोनीत है। इनके छोटे भाई अच्छे पोस्ट के ऊपर अभी चयनित हुए हैं। तो इनको बिजनेस के रूप में ये नहीं करके इसको एक सबके लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं, जिसके लिए हम सब बच्चे यहाँ पे पढ़े। जिनके यहाँ पे गुरु जी हैं जयपाल जी, वो मेरे अच्छे बहुत अच्छे मित्र हैं। 10 साल पहले वो मेरे साथ पढ़ चुके हैं, आज उन्होंने इतनी ऊंचाइयाँ छू ली है कि उन तक पहुँचना मेरे लिए तो बहुत ही कठिन बात है। छोटे छोटे 2-4 कहानियों के साथ मैं आपको एक दो बताना चाहूँगा कि जीवन में यदि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसको फिक्स करो। एक इस क्लास के अंदर 100 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे टॉपर होते हैं, 10 बच्चे फेल होते हैं। टॉपर होने वाले बच्चे यही बैठ कर ये सोचते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, जबकि फेलियर बच्चे बैठ कर या तो गुरुजी को दोष देंगे या कहेंगे ये भगवान की गलती है कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों होता है ऐसा? जबकि क्लास में टीचर एक है, पढ़ाने वाले सब एक है, माहौल एक है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी जाकर यदि घर में शादी भी है तो भी पढ़ता है। एक बार मेरे साथ कुछ हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं कहीं से कार लेकर जा रहा था, रास्ते में शाम का टाइम था, अचानक मेरी एक कार का एक टायर पंचर हो गया। मैं नीचे उतरा और उस बेड पर उस कार को एक टायर को दोष देने लगा कि यार ये एक टायर ही खराब होना था, इसके अलावा 3 टायर और भी तो हैं, वो भी तो खराब हो सकते थे। ऐसे करते करते मुझे आधा 1 घंटा निकल गया। मेरी एक मीटिंग थी जहाँ पे मुझे अर्जेंट जाना था, तो मैंने वो 1 घंटा वेस्ट सिर्फ सोचने के लिए कर दिया, क्योंकि मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, मेरे पास एक्सेप्ट करने की पावर नहीं थी कि जो हो गया है वो हो गया। अब मुझे इसको फिक्स करके करना क्या है? मुझे करना ये था कि या तो किसी फ्रेंड को कॉल करता या मैं खुद करता या किसी सर्विस सेंटर को कॉल करके मैं वहाँ से सहायता लेता। नहीं कर पाया, 1 घंटा निकल गया। उसके बाद में मेरी वो मीटिंग कैंसिल हो गई और मुझे वापस घर आना पड़ा। मुझे रिटर्न वापस घर इसलिए आना पड़ा कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। यदि मेरे पास पावर होती तो मैं आगे जाता और मेरी मीटिंग भी अटेंड कर सकता था, मैं इंस्टेंटली टायर चेंज करता और वहां पहुंच जाता। एक्सेप्ट करो, फिक्स करो। जिंदगी में कठिनाइयां बहुत है, जिंदगी को कभी सीरियसली मत लो। कभी ये मत सोचो कि मुझे मेरी लाइफ को किस तरीके से जाना है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपको जाना है। आप नहीं, आपके माता पिता से सहयोग लो, आपके टीचर से सहयोग लो, सहयोग लेकर उसको एक डायरेक्शन दो। जो टॉपर बच्चे होते हैं और जो फेलियर बच्चे होते हैं, उनमें यही फर्क होता है कि वो डायरेक्शन चेंज करते हैं और यही वो टाइम होता है जब अपनी जिंदगी का चुनाव करते हैं। आईफोन के मालिक या किसी भी कंपनी के आज बड़े आदमी देख लो, उनके पास इतने पैसे हैं उनको ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जाते हैं वो? काम करने के लिए? मुझे नहीं लगता काम करने के लिए जाते होंगे। खुशी के लिए? वो भी नहीं लगता। बट वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हमारे में जज्बा है, हम और भी इससे बड़े हमारा नाम को लेकर जा सकते हैं। पैसे सबके पास होते हैं,
लेकिन उस पैसे के साथ एक नाम करना, अपने माता पिता का नाम करना, अपने गुरुजनों का नाम करना और उसके साथ में अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देना, इंस्टीट्यूट का नाम करना, यहाँ मंच पर आकर एक सम्मान लेना और उनके सामने कुछ आपको दो शब्द कहने का मौका मिले, ये बहुत ही गर्व की बात है।